इंदौर में 70 किलो एमडी ड्रग मामले में पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मंदसौर और इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों की तार मुंबई के ड्रग सप्लायरों से भी जुड़े हुए हैं। एक आरोपी मुंबई की जेल में बंद रह चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच के पिछले दिनों इंदौर में 70 किलो एमडी ड्रग के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। वहीं इनके कई साथियों के नाम भी उजागर हुए थे जो ड्रग सप्लाई करने में लिप्त हुए हैं। वहीं एएसपी गुरुप्रसाद पारासर के मुताबिक आरोपी वेद प्रकाश व्यास ने पूछताछ में बताया कि वह मंदसौर, रतलाम, ताल, निम्बाहेड़ा, अखेपुरा, प्रतापगढ़ के तस्करों को ड्रग सप्लाई करता था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मंदसौर के सरदार खान, रही तबरेज, अशफाक और कासिम को गिरफ्तार किया है। सरदार वर्षों से कोकीन, अफीम, एमडीएमए और चरस की सप्लाई कर रहा है। इसका संपर्क मुंबई के बड़े तस्करों और अखेपुरा, प्रतापगढ़ के फिरोज लाला, आसिफ लाला, घनश्याम पाटीदार, अब्बू, शोएब से भी है। इस मामले में फिरोज नामक एक तस्कर की भी तलाश पुलिस कर रही है, जिसके लिए इंदौर समेत आसपास के कई इलाकों में छापामार कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अभी तक अलग अलग शहरों में करीब 50 किलो ड्रग बरामद की जा चुकी है। वहीं इंदौर इसका बड़ा नेटवर्क रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है ताकि इनके नेटवर्क का पता लगाए। पिछले दिनों एक ड्रग्स की बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की थी। उस कड़ी से जुड़े हुए जो दो आरोपी पकड़े गए थे उन्हें पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड पर लिया था। उनसे लंबी पूछताछ हुई है और उन कड़ियों को ढूंढने की कोशिश की गई जिन कड़ियों से इसके आगे की जानकारी मिल सकती थी। और अभी तक की पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग और महत्वपूर्ण कड़ियाँ इस पूरे पूछताछ में आई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर उन जानकारियों के आधार पर आज 5 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है जो कि इस पूरे ड्रग पेडलिंग और इस व्यवसाय से, इस पूरे अवैध कारोबार से जुड़े हुए थे। इसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसमें रईस, तबरेज ये मुख्य तौर पे आए, दिनेश अग्रवाल से जुड़े हुए थे। और इनके साथ साथ, रईस के साथ साथ 2-3 और ऐसे नाम आए हैं जो कि दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं, यानी कि दूसरे शहरों से इनका जो अवैध नशे का जो पूरी तरह से अवैध कारोबार था वो न सिर्फ यहाँ पर बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में इनका अलग अलग ड्रग पेडलिंग का कारोबार था। ड्रग का अवैध रूप से इस व्यवसाय को खपाते थे। और अगर हम इनका देखें तो पिछले 1 सालों में अलग अलग हिस्सों में इन्होंने 50 KG के आसपास इस तरह के ड्रग्स को अलग अलग शहरों में, जिसमें महाराष्ट्र के कई शहर हैं, जिसमें गुजरात के कई शहर हैं और राजस्थान के शहर हैं, मध्य प्रदेश के शहर हैं, इन अलग अलग शहरों में छोटे ड्रग तस्करों के माध्यम से खपा दिया है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई इसमें मुख्य तौर पे तबरेज और सरदार की गिरफ्तारी हुई, सरदार खान, और साथ ही साथ अशफाक नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। इन पूरे लोगों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अलग अलग शहरों में इन्होंने जो पूर्व में जो एक रईस का नाम, पूर्व में जो विजयनगर में जो केस हुआ था, विजयनगर में जो घटना हुई थी उसमें भी उसको कई युवकों को और कई इस तरह के अवैध कारोबार से जुड़े होने की सूचना आई थी। आज पुनः उस घटना से जुड़ी जो कई जानकारियां हैं उसके बारे में भी इसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें पूरे लगभग 5 आरोपियों को 1 सप्ताह के रिमांड पर लिया जा रहा है और टीम को इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें अगर देखें तो जो इसमें कुछ आरोपियों को, इसमें सरदार खान है, सरदार खान पूर्व में उसका NDPS का ड्रग्स का रिकॉर्ड है, ड्रग की तस्करी का। मुंबई में इस तरह के NDPS एक्ट में वो आज से 12 साल पहले बंद हुआ था और मुंबई के आर्थर रोड में NDPS एक्ट में 11 साल वो जेल में बंद रहा। अभी छूट का रूप आया, मंदसौर का रहने वाला है और यहाँ पर फिर उसने अभी शुरू किया था ये कारोबार, तब तक पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। बाकी आरोपी भी अलग अलग शहरों के, जैसा कि बताया चुके हैं कि दिनेश अग्रवाल और बाकी उसमें मंदसौर से हैं। बाकी जो कुछ जो आरोपी हैं वो इंदौर के हैं, इसमें से 3 आरोपी, उनसे सभी लोगों को लगभग 1 सप्ताह की रिमांड पर पुलिस ले रही है और उनसे पूछताछ करके उन्होंने किसको किसको दिया है उसके आधार पर फिर और गिरफ्तारियाँ होंगी।
इसमें सरदार खान का कुछ मुंबई से उस तरह की कनेक्शन और वहाँ के लाला बंधुओं से किस तरह की उसमें जानकारी साथ में इस तरह की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन बहरहाल पुलिस उस पूरे मामले पर और डिटेल्स में पूछताछ कर रही है। आगे जो रिमांड लिया जाएगा उसमें इनसे सारे तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी इन्हें पकड़ा गया है, इनके बारे में पुख्ता पुलिस के पास जानकारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनसे कुछ इस तरह के ड्रग्स जो इन्होंने मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में बेचे हैं उन ड्रग्स की पुलिस कोशिश करेगी कि उस ड्रग्स का जो हिस्सा अभी भी कहीं अगर उपलब्ध है तो उसे जब्त किया जाए। नहीं, उसमें छोटा हिस्सा इंदौर में है, लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, राजस्थान के कई शहरों में, आसपास के कई जगहों के तस्करों से इनके संपर्क हैं। पुलिस उस कड़ी में भी काम कर रही है, उन राज्यों के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी भी जानकारी निकाल रही है और वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ उन्हें शेयर किया जाएगा। उसमें कई उसमें पुलिस के पास जानकारी आई है जो कई महत्वपूर्ण है उनका क्राइम के हिसाब से, लेकिन पूरी जानकारी को सामने किसी नहीं किया सकता कि इससे दूसरे जो कुछ आरोपी होंगे या दूसरे जो इस तरह के ड्रग माफिया होंगे उनको वो जानकारियाँ उन तक पहुंच जाएंगी, इसलिए पुलिस उस जानकारी को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करेगी। लेकिन यह है कि एक गिरोह निश्चित तौर पर सातवें तरीके से कई वर्षों से अलग अलग देश के हिस्सों में इस तरह की वारदात कर रहा था, इस तरह का कारोबार कर रहा था, और पुलिस के पकड़े जाने से, उनसे पूछताछ के जाने से एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। मुख्य तौर पर ये अलग अलग शहरों में फैला हुआ है और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसके जड़े हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद से शुरू हुआ, यहाँ पर पकड़ा गया, कई शहरों में इसके अलग अलग नेटवर्क और इसके जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए, तो यह गैंग काफ़ी बड़ा है और पुलिस इसको अंतिम कड़ी तक पहुँचने में, इसके हर तह तक जाने तक इस पूरी जाँच को जारी रखेगी।